हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है एक जिन की, आशिक जिन। तो कहानी हमारी शुरू होती है सना और सारिक से। सारिक एक है लड़का, वो नई नई जॉब में आया है, तो अच्छे से अपने जॉब में लगा हुआ है। उसके अम्मी अब्बू है नहीं, वो बाहर रहता है मुंबई के धारावी क्षेत्र में। धारावी दोस्तों इतनी बड़ी है, बहुत बड़ा एक है एरिया, तो वहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। तो शारिक अपनी जॉब में जब जाता है ऑफिस, तो वहीं उसके ऑफिस के पड़ोस में ही दूसरा एक है ऑफिस, वहाँ पे उसकी सना से दोस्ती हो जाती है। सना से दोस्ती इतनी करीब बढ़ती जाती बढ़ती जाती, लगभग 1-1.5 साल डेट करने के बाद दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। जब शादी के उनकी तैयारी हो रही होती है, तो सना का तो परिवार है पर शारिक का परिवार नहीं है। तो सना अपने मम्मी पापा को बहुत मनाती है, तो वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इधर जो सारिक के दोस्त होते हैं, वो उससे बहुत मौज मस्ती करते हैं और सब मतलब एंजॉय कर रहे होते हैं शादी में। शादी में जब बढ़िया सा एक होटल बुक होता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उसके मम्मी पापा है नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भव्य तरीके से शादी मतलब उसका स्वागत हो, और सना जो है दुल्हन बन के आए, तो उसको ये ना लगे कि उसके अम्मी अब्बू नहीं हैं तो उसको कोई स्वागत करने वाला नहीं। तो दोस्त लोग बहुत उसका मतलब इंतज़ाम वगैरह करते हैं, होटल और जो गेस्ट हाउस वगैरह होता है सब उसका इंतज़ाम अच्छे से करते हैं। होटल में उन्होंने एक कमरा बढ़िया से बुक करवाया है, वहीं वो सुहागरात मनाने की तरह कि उसका घर जो है नहीं घर पे, क्योंकि मम्मी पापा नहीं, चाची चाचा हैं और भी कई लोग हैं, पर माँ बाप के ना होने के नाते वो कहता होटल में ही भाई तुम ऐसा अपना करना, तो राजी हो जाता है। इधर शादी जब होती है गेस्ट हाउस में, निकाह वगैरह जब हो जाता है, उसके बाद की रस्में अभी नहीं हुई होती हैं, लेकिन दोस्त लोग कहते हैं चलो सारी काज हम लोग कहीं इंजॉय करने चलते हैं। और ये बात वो जैसे ही सना को बताता है निकाह के बाद कि सना मैं थोड़ा सा अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो इतना बस कह के वो निकल लेता है तुरंत। जब निकल लेता है और रात थोड़ा होनी शुरू हो जाती है, 6 से 8 भी बज जाते हैं, 8 से 8:30, और वो 5-6 उसके दोस्त और सारिक चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहते चलो तुम्हें आज नई जगह घुमा के लाते हैं, आज की रात तो हमारे साथ गुजार लो, अगली रातें तो सब तुम्हारी पत्नी के नाम होने वाली है। ऐसा जब तू टांट मारते हैं तो कहता चलो भाई ठीक ही तो कह रहे हैं, अभी इंजॉय कर लेते हैं, फिर कहाँ पूरी ज़िंदगी तो ऐसे रहेंगे। और सारिक चला जा रहा, सभी मस्ती में खूब इंजॉय करते हुए गाते बजाते गाड़ी के अंदर चले जा रहे। गाड़ी रुकती है जाकर के धरावी के कब्रिस्तान के पास। जब कब्रिस्तान के पास रुकती है तो बड़ा हैरान परेशान होकर देखने लगता, ये क्या हम कहाँ पे आ गए, यहाँ तो हम अक्सर रोज आते हैं। तो दोस्त कहते हैं आते हो बट आज तो हम लोगों को इंजॉय करना है। वो अपनी दारू वारू की बोतलें निकालते हैं और खाने वाने का कुछ सामान लाते हैं। वो जो तारावड़ी का होता है बहुत बड़ा कब्रिस्तान, वहाँ पे इतना साफ सुथरा सब पड़ा हुआ था, वहाँ पे सारे जो है पाकिजगी पूरी फैली है कि कुछ भी अनावश्यक वैसी जो होती हैं बातें उन्हें नापाक चीज़ें नहीं करी जाती। लेकिन ये लोग जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, बढ़िया सा अच्छे से बैठने वाला भी बना होता है, जैसे कि ये कैसे टेबल है, तो उसी पे शीशी वगैरह रखते हैं, दारू के गिलास रखते हैं, खाने पीने का भी सामान होता है। ये लोग खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं। अब चूँकि सारिक दूल्हा बना हुआ है, बहुत अच्छे से दूल्हा बना हुआ बैठा है सभी के साथ, दारू वो भी पी रहा है, गाने वाने सब बजाए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ इंजॉयमेंट चल रही है। करीब 1-1.5 घंटे इंजॉय करने के बाद पांचों दोस्त और वो दूल्हा शारिक सभी गाड़ी में बैठते हैं और वापस चले आते हैं। जैसे वो वापस चलते हैं तो शारिक को लगता है जहाँ वो बैठा हुआ था उसी के सामने एक कब्र बनी हुई थी, जो उसके पीछे से कोई उसे निहार रहा है बहुत गौर से। वो ऐसे देख रहा है कि कोई दिख रहा है, लेकिन उस सितारे में मेरा वह मैं क्योंकि मैंने पी रखी शायद ये कुछ ऐसा दिख रहा हो, वो सोच करके इग्नोर कर देता और चला आता दोस्तों के गाड़ी में बैठ के चला जाता। चला आता होटल जब पहुंचता है तो सना इस पर इतना कस के गुस्सा होती है कि तुम आज की रात क्यों गए यहाँ से, आज तो अभी तो रस्में अभी बाकी थी, अभी कुछ होना था, अभी कुछ होना, इस तरह से करके वो गुस्सा करती है। वो किसी तरह से सना को मनाता है कि अरे दोस्तों के साथ आज मैं चला गया था, अब आगे से कहाँ जाने को मिलेगा, यही रात थी एंजॉय की, उसके बाद तो हम तुम्हारे ही हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सना लेकिन सना का गुस्सा नहीं कम होता, सना इसे गुस्सा करती रहती है। खैर वो कहता है ठीक है तुम भी कपड़े चेंज कर लो, मैं भी अभी फ्रेश होके आता हूँ, और वो जाता है अंदर बाथरूम में, क्योंकि होता है वहीं होटल में ही, जो बाथरूम जाता है अंदर कपड़े उतारता है, दूसरे कपड़े जो नाइट में पहने जाते हैं वो पहन के नाइट सूट वगैरह बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो देखता कि सना वही दुल्हन बनी हुई बैठी, उसने कपड़े चेंज ही नहीं करे, वो बेड पे बैठी उसका लहंगा वहंगा ऐसे फैला हुआ है। वो देख करके बड़ा हैरत में, अरे सना तुमने तो कपड़े ही नहीं चेंज करे। तो फिर सोचता अरे सना शायद मेरे से गुस्सा है इसीलिए से बात नहीं कर रही है। खैर वो आगे बढ़ता है और जैसे ही सना का घूंघट उठाता है इतनी तेज से उसकी चीख निकल जाती, ये क्या
दुल्हन का चेहरा एकदम जला हुआ, एकदम अजीब सा दिख रहा है, उसके अंदर से ये खून सा टपक रहा, वो वहीं पे इतनी तेज, बहुत तेज चीख करके बेहोश। जब बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के बाद, जब उसको होश आता है कुछ एक देर के बाद, क्योंकि वो तो होटल है, होटल में वैसे भी सारे रिश्तेदार तो अपने अपने रूम में सोए हैं, वहां तो कोई सुनने वाला नहीं है, और वो जब बेहोशी से उठता है तो देखता क्या है, सना बेड पे सोई हुई है और ये भी जा करके बगल में लेट जाता है। सुबह को जब आँख खुलती है तो देखता है कि सना इससे कह रही है, वो कह रहा कि सना तुम यहाँ कैसे और हम कैसे, मतलब वो रात की बात बड़बड़ा रहा कि तुम एक जिन, मुझे जो है जिन की तरीके से दिखा रही, बहुत बुरी तरीके से दिख रही थी। तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम वहाँ से निकले बाथरूम से और मैं तो बेड पे ही बैठी हुई थी, तुमने मुझे टच किया, मेरे पास आने वाले थे और एकदम से तुम गिर गए। तो कहता नहीं सना, तो तुम थी नहीं, तुम्हारी जगह पे कोई और था, उसका चेहरा एकदम भयानक जला हुआ था, उसको देख के मैं एकदम से चीख पड़ा था। नहीं मैंने तो कोई चीख नहीं छुड़ी, कोई भी कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। अब वो और हैरत में कि ये क्या हो गया। खैर फिर वो जो है कुछ नहीं कहता है, चुपचाप हाथ मुंह धो करके अपना जहां जाना होता है वो चला जाता। फिर दूसरी शाम को ये फिर देखता क्या है, थोड़ा इसको देर हो जाती है, हाथ मुंह धोता है, खाना वाना खाता है, जब लेटता है तो लेटता क्या देखते सना सो गई है, और सना उसको जब सोई पड़ी है तो वो ऐसे उठा के जैसे उसको सोचता कि लाओ मैं थोड़ा सा इसको चादर ऊपर उठा दूं, जैसे वो उड़ाने चलता देखता क्या वही भयानक चेहरा उसको फिर दिखाई पड़ता, वो फिर से एकदम से चीख पड़ता और वहीं पे फिर बेड पे कोने पे गिर जाता है। फिर जब उसको होश आता तो फिर सना करती, आप कहाँ चले गए थे, आप तो यहाँ रुकते ही नहीं हो, और हम सो गए थे आपका वेट करते करते। कहता है मैं तो तुम्हारे ही साथ में था, तुम तो इतना खराब तुम्हारा वो लग रहा था, तुम थी ही नहीं, कोई और था। फिर वो कहती नहीं नहीं मैं ही थी और कोई नहीं था। अब ये बहुत हैरान परेशान, फिर इसको चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो सुबह को ये कहता है कि चलो आज कुछ सामान खरीदने चलना है। ठीक है, सना तैयार हो जाती है, सना जो है अपना कपड़े उपड़े पहन करके अच्छे से दुपट्टा ले करके और जाती है बाहर, गेट के चली जाती है। गेट के बाहर जब जाती है तो जो खिड़की होती है घर की वो बड़ी सी होती है, उसके सामने ही सना खड़ी होती है, और इसको कुछ भूल जाता वॉलेट वगैरह तो लेने जाता, कहता सना तुम यहीं रुको, सामने से देख रहा होता है, दरवाज़ा खोलता अंदर जाता, क्योंकि सना और ये दोनों के अलावा कोई और तो था नहीं, ये गया कि मैं अभी लेकर के वॉलेट अपना आया और तुरंत चल दूंगा। सना वहीं पे खड़ी है और ये जो है गया अंदर। जैसे ही अंदर घुसता है तो उसको, उसने वॉलेट अपना टेबल से उठाया और देखता क्या है, किचन में कोई लड़की खड़ी है, खड़बड़ की आवाज़ आ रही है, फिर छम से किसी छोंकने की आवाज़ आई। हैं, बहुत हैरान परेशान उधर खिड़की से देख रहा, सना तो बाहर है। फिर क्या देखता कि अरे सना तो खाना बना रही है अंदर, देखता क्या दाल में तड़का लगा रहा है कोई। जैसे वो जाता पीछे से ऐसे झांकने की कोशिश करता, वैसे ही वो पलटती है, जैसे वो लड़की पलटती है एकदम सना, लेकिन सना ना होकर के वो वही एकदम वही आकृति जो उसने देखी थी, जला हुआ चेहरा और जाने कैसा बहुत गजब का, वहीं वो घस खा के गिर जाता, बेहोश हो जाता। जैसे उसको होश आता फिर वो क्या देखता है, खिड़की के सामने खड़े होता है धीरे धीरे अपने आप से, एक बाहर जो खिड़की के बाहर सना खड़ी है उसके पास शारी केक खड़ा हुआ है, और अंदर जो सना उसके साथ खड़ी हुई है वो उसको जिन दिख रहा है, जला हुआ चेहरा, उसी के कपड़े सना के पने, यानी कि एक जो इंसान है वो एक बाहर है उसके साथ, सना रूपी इंसान जो है एक दूसरे सारी यानी वो दूसरा जिन है, और जो उसके साथ है वो दूसरा जिन है। एक इंसान और एक जिन इधर है, एक इंसान और जिन उधर है। अब वो करे तो क्या करे, उसकी ये दहशत के मारे इतनी ज़बरदस्त चीख निकलती कि सना वहाँ से उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो कहती सारी तो मेरे साथ है, फिर अंदर कौन चीखा। वो भी आती है, दरवाज़ा खोलती है, उधर जो उसके साथ होता वो भी गायब, और इधर जो इसके साथ है वो भी गायब। अब दोनों जो है बेहोश वहीं पे। तो बाहर के लोग जो सुन लेते हैं चीखें, वो आते हैं, उनके चाचा चाची को, दोस्तों को और सना के अम्मी अब्बू को इन्फॉर्म करते हैं, बुलाते हैं कि भैया ये घटना है, आओ देखो आ करके। दो दिन बीत गए होते हैं, इतने में ही इसको लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा था, ये क्या देख रहा, तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, बस वो बड़बड़ाता रहता है, सारिक जो है बड़बड़ा रहा। अब करे तो क्या करे, तो उसके जो सना के अम्मी अब्बू होते हैं वो ले जाते हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब उनको देखते हैं, कहते हैं कि भाई कैसे तुम रह रहे थे, इस एक पूरे हफ्ते में तुमको जो है पूरा नचा के रख दिया किसी ने। कहते किसने नचा के रख दिया, कि अभी तक तुम जिसके साथ रह रहे थे सारिक बेटा, वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी, वो था एक जिन, और वो जिन जो है तुम शादी के कपड़े पहने दूल्हे बने हुए तुम कब्रिस्तान गए थे। उसने कहा हाँ साहब, मौलवी साहब मैं गया था, तो जहाँ तुम बैठे थे ठीक उसके सामने एक अधूरी दुल्हन की कब्र थी, उसकी शादी हो रही थी और वो
किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी तो वो वहीं दफनाई गई थी, और उसी दुल्हन का जो है तुम्हारे पे वो आशिक हो गई, वो जिन जो उसका था भूत वो तुम पे आशिक हो गया तुमसे, वो उसकी जो है अब अटैचमेंट इतना हो गया वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब सब कहने की भाई मौलवी साहब को छुपाए करो नहीं तो क्या होगा। अब वो दुल्हन जो उसकी थी सना वो भी बहुत घबराई, फिर तुम्हें किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, अब वो तुम्हें तो छोड़ेगी नहीं चाहे जो भी तुम उपाय कर लो, हालांकि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी लेकिन तुम्हें छोड़ेगी नहीं, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी आखिरी सांस तक वो तुम्हारे साथ रहेगी। अब वो बहुत हैरान परेशान, उसको हर जगह वही वही जिन दिखाई पड़ता, उसी का चेहरा कि उसको अपनी सना, थोड़ी देर में उसको अपनी सना दिखती थोड़ी देर में उसको वो दिखती। अब वो करे तो क्या करे, उसने सोचा कि इस तरह से तो सना की भी जान जा सकती है, क्योंकि सना के साथ तो ये तुम्हें बीवी के रूप में बिल्कुल अपनाने नहीं देगी, चाहे जैसे भी हो वही तुम्हारी बीवी बन के रहेगी। अब सारे रिश्तेदार उसके जितने थे वो भी परेशान, तो क्या करे क्या करे, क्योंकि तुम्हें सना को डिवोर्स देना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो तुम सना के साथ नहीं रह सकते। अब क्या करे बेचारा, उसने उसको डिवोर्स तो दे दिया, दो तीन दिन के भीतर उसने डिवोर्स भी दे दिया, सारी कार्रवाई पूरी हो गई, लेकिन उस जिनी से उसका पीछा नहीं छूट रहा था, कहीं भी वो जाता उसको सना की तरीके से वो उसको दिखाई पड़ती। फिर एक दिन अचानक से ये क्या करता है, दुबई के टिकट लेता है और सीधा दुबई पहुंच जाता है, चला जाता है यहाँ से। जब ये देश छोड़ के चला जाता है अचानक से, तब इसका पीछा उस जिन से छूटता है। वहाँ वो कैसे रह रहा है कैसे नहीं रह रहा है दोस्तों कुछ नहीं पता, उसका ये जो है जिन पीछा रखे भी है या नहीं रखे, इधर सना तो डिवोर्स लेकर के अलग रह रही है, लेकिन इतना वो परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसको ये दोस्त छोड़ना ही पड़ गया। अभी वो अलग हैं और वो अलग, अब क्या उनके साथ हो रहा क्या कुछ पता नहीं। तो ऐसे होते हैं जिन कि जो अटैक अगर कर लिया, पीछा कर लिया, आसक्त हो गए तो कभी वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहें, जहाँ पे पाक चीज़ें हैं वहाँ पे नापाकी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ऐसी जगहों पे गंदे इरादे से ना जाएं, ऐसा ना करें जैसे उससे प्रभावित हो जाए और आपका वो एंटिटी पीछा कर ले और फिर आपको उसका हर्जाना अपनी पूरी उम्र तक तो भुगतना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।